हमारे प्यारे किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय। इस समय है फरुखाबाद की सातनपुर मंडी। आज 7 मई 2024 दिन मंगलवार। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आज आंगनी लगी है टीन शेड के अंदर। कुछ ही टालियां आज हैं और मैं आपको बताऊं, आज आमदनी जो है मेरे अनुमान के मुताबिक मुश्किल से 7-8 मोटर के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं है बिलाल। तो पूरा अपडेट देखें, लास्ट तक देखें। किसान भाइयों, एक निवेदन में आपसे एक और है मेरा, आप लोग 13 मई 2024 को अपना वोट देने अवश्य जाएं। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर इस टीन शेड के अंदर कमी टालियां आज खड़ी हैं और ज़्यादातर हिस्सा जो है खाली है। मात्र दो टालियां उधर हैं, एक ये है और 3-4 टालियां इधर हैं, यानी कि 7-8 टालियां एक टीन शेड के अंदर है मात्र सिर्फ। और इधर है एक ख्याति आलू, इसके अंदर चेचक की शिकायत है, डग्गा है और कट पीस की भी शिकायत इसके अंदर देखने को मिल रही है इस तरीके से। लूजिंग की बात करें, लूजिंग कुछ एक आध आलू है इस तरीके से। इधर किसान है, इनसे भी लेंगे कुछ जानकारी। किस गांव से हो? शेखापुर। कितना रह गया डंप? 1000 1000 पैकेट होगा पूरे गांव का? अच्छा, यानी कि समाप्ति के ऊपर है। तुम्हारे पास कुछ बचा या नहीं बचा अब? हमारे पास 1000 1000 पैकेट के आसपास है अभी। अच्छा, तो आज क्या भाव बिकाई आलू? हाँ, 16 से 81, यानी 20 कम 17 से। और आसपास की टलियाँ किस का क्या जगह किस भाव से बिकी? 18.5 तक देखा तुमने? तो अभी कितने दिन और लाओगे आलू? अब जो एक रुक रुक के या एक साथ? ना, रोज लाए। अच्छा, यानी इलेक्शन बाद भी लाओ है? अब जहाज भर रही है। नहीं, इलेक्शन बाद भी ले आने की इरादा है? इलेक्शन बाद अब चलो इलेक्शन रहे तो चले ट्राली। अच्छा, बंद हुई है मंडी, फिर बाकी बाद में लाए। बाकी बाद में लाओगे? हाँ, अब खा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान से तो इस तरीके से मंडी लगी हुई है आज। और इधर है ख्याति आलू, इसके अंदर देखो भाई चेचक की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है और कुछ रफ़ी आलू है इसके अंदर, रफ़ी वाला, और कुछ इस तरीके से डग्गा साइज भी है। करने वाले ने कहा कही हमने मालूम? ₹5000 इधर किसान है, लेंगे इनसे भी कुछ जानकारी। किस गांव से हो भाई? हाजी। किस गांव से हो? शेखपुर खजूरी। कितना रह गया डंप अभी गांव में? भी अभी हमारा ही रह गया 1000। तुम्हारा ही 1000 पैकेट रह गया? पूरी 10 ट्राली मतलब लगभग। और आसपास मतलब और किसानों भाइयों के 500 पैकेट तो मान लो, और अगर अगर किसी दूसरे के पास होगा? दो मोटर माल के लिए और अलग। दो मोटर तो तुम्हारी होंगी 1000 पैकेट के लिए, एक मोटर और होगा अगर किसी के पास निकल आया तुमने थोड़ा बहुत करके सब मिला के, यानी कुल मिला के 3 मोटर। कुल मिला के 3 मोटर। तो अभी इलेक्शन बाद भी लेके आओगे क्या? अभी रोज डेली चलेगा। डेली? हाँ, एक गाड़ी रोज आएगी। अच्छा, तो आज क्या भाव बिका? ये 17 से 61। अच्छा अच्छा, इधर किसान है, ये कहाँ से भैया? कहाँ से हो? शमशाबाद नायगवा। क्या आलू लाए थे? आलू लाए थे। हमारे भैया क्या भाव? 14 से 31। कौन सा था? पुगराज? पुगराज। अच्छा अच्छा, 1431 भी कहा। तो कितना डंप कितना है गांव में अभी? अब नहीं रहा, ना के बराबर रहा। ना के बराबर बिल्कुल, मैंने समाप्त है बिल्कुल है। बिल्कुल। ताली किधर लगी 1431 वाली? आजाद के। आजाद के पास। अच्छा, वो चेचक वाला आलू है तुम्हारे उसमें? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भाई।
धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान भाइयों, इधर एक ट्राली लगी हुई है ख्याति आलू की। साफ सुथरा आलू है और कोई शिकायत इसके अंदर नहीं है चेचक या जंग वगैरह की। कलर की बात करें, कलर काफ़ी अच्छा है आलू का। एकदम ठंडा है, बिल्कुल बर्फ माफिक। इधर किसान हैं, लेंगे इन लोगों से भी कुछ जानकारी। किस गांव से भाई? किस गांव से हो? किस गांव से आप लोग? नगला बीज। अच्छा, कितना डंप आया अभी गांव में? भी एक मोटर होगी अभी। अच्छा, यानी कि अभी इलेक्शन तक आएगा आलू। मंडी कब तक बंद है? मंडी तो देखो भाई, 13 तारीख को इलेक्शन है और 13 से पहले ही मंडी बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ियां वगैरह आ जाएंगी यहाँ पर। तो 13 से मतलब ऐसा मान को चलो 10 या 11 मंडी बंद होनी है, क्योंकि यहाँ पर वाहन आ जाएंगे, खड़े होंगे आके, तो आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो आज क्या भाव बिकाई आलू? 1851। और आसपास की टालियाँ कैसे कैसे किस भाव से बिकी? 1651। तुम भैया किस गांव से हो? बरकरिया से। कितना रह गया डंप उधर? बहुत कम, आखिर भी। बिल्कुल आखिर भी है, मतलब होगी 2-4 टालियाँ आपके गांव में। तो किस भाव बिका तुम्हारा आलू? 1651। कौन सी लगी, ये लाल वाली ट्राली? ये दोनों। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये बिका 1651 रुपये। इसके अंदर जो है आलू जो है थोड़ा लूज भी हो रहा है इसमें, और कुछ चेचक की भी शिकायत है। अगर आलू लूज हो जाता है तो फिर उसके रेट अलग ही हो जाते हैं बिल्कुल। और ये देखो, कार्बन वाला आलू है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन है इसके अंदर। ख्याति आलू ये भी है और चेचक की भी शिकायत है। हल्का लूजिंग इसके अंदर भी, आलू के अंदर है। तो ये भी 1651 रुपये भी बिका है। तुम किस गाँव से भैया? बरकरिया है। अच्छा अच्छा, तो 4-5 दिन में निपट जाएगा आलू? है 4-5। हाँ, आलू कोल्ड में डालो तो उस बात डाल हुआ अपने घड़े में 4-5। अच्छा, बेचन वालों ना डालो। अच्छा, आप भी बरकरिया से हो? कहाँ से? दहलिया से। अच्छा, कितना रह गया डम? बिल्कुल खत्म। ठीक है भाई, धन्यवाद। किसान भाइयों, आइए मिलते हैं आजाद राम जी से, आलू आरती सातनपुर मंडी। भैया नमस्कार। और इधर किसान भी है, किसान मौजूद। सबसे पहले आज ये बताओ, आज दिवाली कैसी है? दिवाली सही है। अच्छा, आलू बिक रहे हैं फटाफट? हाँ भाई, 15 लेके जी 15 आलू बिक रहे हैं। और ख्याति है भी 18.5 से लेके। ख्याति आलू नंबर एक के साथ एक आलू 18.5 से गई दे दे। अच्छा, 1821, 1831, 41, 18.5 तक। हाँ, 18.5 नंबर एक ख्याति नंबर एक। लेकिन वो ट्राली अब कम आ रही है, बिल्कुल ना के बराबर कम आ रही। मोटर गाड़ होगी तो होगी, नहीं नहीं। हाँ, सेकंड क्वालिटी ज़्यादा है मंडी के अंदर। आमदनी आज कितनी होगी? आज आमदनी आज कितनी होगी? 5 मोटर होए ना। 5 मोटर हो सकता है, 5 की 6 हो जाए, हो सकता है 5 की 4 ही रह जाए। ज़्यादा फिलहाल नहीं है आज, कल से काफ़ी कम हो गई आज।
कल की ऐसा समझो आधी रह गई आज। तो क्या लग रहा है अब मंडी अभी कितने दिन और चल जाएगी? मंडी खत्म है समझो, इस हफ्ते चल जाए बहुत है, यानी कि शुक्रवार तक चल जाए बहुत समझो है। क्या इलेक्शन बाद आलू नहीं आया क्या मंडी में? उम्मीद कम लग रही है अब, आज उम्मीद कम लग रही जिस प्रकार से आज आमदनी आई है। नहीं, ये हफ्ता भर चलेगा। तुम्हारे पास जो आलू आता, तुम्हारे पास जिन गांव का आलू आता है वहाँ की क्या पोजीशन है? एक ट्राली है वो आई जाएगा। अच्छा अच्छा, आज का ऑफर है यूट्यूब चैनल, कौन सा आज का ऑफर यूट्यूब चैनल?